सिमिलरली हमारे पास टेम्परेचर की एक स्केल आ गई सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल को मिलने के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट ने एक नया स्केल डेवलप किया और वो फॉरेनहाइट का स्केल उनके ही नाम पर फॉरेनहाइट स्केल के नाम पे जाना जाता है। उन्होंने भी सेम दो चीज़ें ली और फॉरेनहाइट के बीच के टेम्परेचर्स को 100 की जगह 180 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 180 पार्ट्स में उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर को डिफाइन किया और फॉरेनहाइट और टेम्परेचर और सेल्सियस स्केल के बीच एक बहुत जनरल रिलेशनशिप है। अगर हमने कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस में मेज़र किया है टी सी, तो टी सी बटे 100 यानी टी सी के 100 पार्ट्स को, ये एक डिग्री सेल्सियस हो गया हमारे हिसाब से। अगर ये टी सी किसी का टेम्परेचर है और उसको हमने 100 से डिवाइड किया, दिस विल बी इक्वल टू टेम्परेचर एट फॉरेनहाइट स्केल माइनस 32 डिवाइड बाई 180। तो सेल्सियस स्केल के कंपेयर में इसकी एक हम फैक्टर कह सकते हैं कि ये 180 बाई 100 गुना बड़ा होता है और प्लस एक 32 का इसमें एडिशन होता है। तो यानी अगर सिंपली कोई टेम्परेचर हमारा अगर ये टी सी 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो हमारा टी एफ होगा, टी एफ विल बी 32 फॉरेनहाइट। सिमिलरली एक और स्केल है, दैट इज़ कॉल्ड र्यूमर्स स्केल। र्यूमर्स स्केल में सेम सेल्सियस स्केल की तरह चलते हैं हम, इसमें टी आर इसको नाम देते हैं और र्यूमर स्केल को हम 80 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। र्यूमर स्केल जिस तरह से सेल्सियस ने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया वाटर के मेल्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ वेपराइजेशन को या बॉइलिंग पॉइंट को, उस तरह से उस सेम दो टेम्परेचर को र्यूमर ने 80 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो एक डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो हुई वो 8/100 यानी 0.8 र्यूमर्स हुई। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ, तीन साइंटिस्ट चार्ल्स बॉयल्स और एवोगाड्रो लॉ को हमने मिक्स किया और वहाँ से जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट्स थे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, उनको हमने एक साथ कंबाइन किया और हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन डेराइव की। और वो आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारे पास है, आइडियल गैस इक्वेशन, वो आई प्रेशर ऑफ अ गैस इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू एन आर टी। दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस, ये हमारे पास प्रेशर रहा, ये गैस का वॉल्यूम रहा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये अमाउंट को मेजर करता है, ये नंबर ऑफ मोल्स हुआ, आर आर इज गैस कॉन्स्टेंट, यानी हमने प्रोपोर्शनलिटी लॉस किए थे कि पी वी इज प्रोपोर्शनल टू पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एट ए कॉन्स्टेंट आर, सॉरी एट ए कॉन्स्टेंट टी, और अगर हमने V को कांस्टेंट किया तो P और T प्रोपोर्शनल हैं। सिमिलरली अगर हमने P को कांस्टेंट किया तो V और T प्रोपोर्शनल होंगे। हमने उन लॉस को जब कंबाइन किया तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी लॉ था। जब हमने उस प्रोपोर्शनलिटी लॉ की प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकाला तो हमने उसको नाम दिया R, दैट इज़ गैस कांस्टेंट। और फिर हमारे पास है टेम्परेचर, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ गैस। अब हमने किसी अमाउंट ऑफ गैस के लिए, किसी एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप को ड्रॉ करें, तो हमारे पास एक ग्राफ आता है जिस पर कि अगर ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारा डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है और इस साइड हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा होगा और ये हमारा प्रेशर है, तो एट सर्टेन वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास कुछ प्रेशर होगा, वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा है, और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। फिर साइंटिस्ट ने रियलाइज़ किया कि अगर हमने वॉल्यूम को रखा भी और टेम्परेचर को धीरे 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 और कम किया, तो हो सकता है कोई ऐसा टेम्परेचर हमें मिल जाए जहाँ पर
कि इस गैस का प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा। अगर गैस का प्रेशर ज़ीरो हो जा रहा है तो हमने इस टेम्परेचर को नाम दिया कि गैस का प्रेशर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ये हमारे पास जो ये टेम्परेचर है, ये जो टी डैश आ रहा है, जहाँ पर कि किसी भी वॉल्यूम पे गैस का प्रेशर ज़ीरो हो जा रहा है, कोई भी वॉल्यूम हम ले उस पर गैस का प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा, चाहे हम छोटा कंटेनर लेते हैं बड़ा कंटेनर लेते हैं, हर एक कंटेनर में गैस का प्रेशर ज़ीरो हो जा रहा है। तो हमने इस टी डैश को नाम दिया कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है, हम इस टेम्परेचर के नीचे जा नहीं सकते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है ये। और इस एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में आई 273.15 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में, नेगेटिव टेम्परेचर स्केल पे टी डैश यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो की टेम्परेचर की वैल्यू आई -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब नए साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम इस टेम्परेचर को, इस एब्सोल्यूट ज़ीरो को किसी स्केल पे अगर ज़ीरो वैल्यू दे दी जाए तो क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। हमने इस टी डैश जो हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो था, हमने इसको नए स्केल में ज़ीरो वैल्यू दे दी और इस स्केल को बोला गया केल्विन स्केल। यानी हमने इस -273.15 डिग्री सेल्सियस यानी जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर था, जो मिनिमम एक्वायर्ड टेम्परेचर हो सकता है, हमने उसको नाम दे दिया ज़ीरो डिग्री केल्विन। तो ज़ीरो डिग्री केल्विन, केल्विन में क्या हुआ, केल्विन तो सीधा टेम्परेचर जो हमारे पास सेल्सियस स्केल में है उसमें अगर हम -273.150 डिग्री ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें किसी भी टेम्परेचर पे, तो हमारे पास वो केल्विन आ जाएगा। यानी हमारे पास टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ केल्विन और टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप आ गया, जिसमें कि सिर्फ हमें एक छोटा सा सम करना है। अब इस टेम्परेचर ऑफ केल्विन जो स्केल हुआ, चूँकि केल्विन का ज़ीरो हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो था और केल्विन स्केल अब तक का सबसे प्रेसाइज स्केल था, इसलिए SI ने इसको एक्सेप्ट किया और टेम्परेचर की SI यूनिट हो गई केल्विन। तो टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन क्यों हुई, क्योंकि केल्विन का ज़ीरो एब्सोल्यूट ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है और केल्विन स्केल लीनियर काम करता है सेल्सियस स्केल के, तो चेंजेस करने में हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई, तो हमने दे दिया कि ये केल्विन, इसे कैपिटल K से डिनोट करते हैं, केल्विन स्केल इज़ आर SI यूनिट। अब सारे नए कैलकुलेशंस में हम मैक्सिमम केल्विन का यूज़ करेंगे, पर देखने वाली बात ये हुई कि कभी भी केल्विन स्केल में अगर चेंज आता है, लेट से हमारे पास कोई टेम्परेचर एट केल्विन स्केल TK है और इसमें चेंज आया डेल्टा टी का, हाँ टेम्परेचर एट केल्विन स्केल TK है, इसमें डेल्टा टी का चेंज आया, तो जो टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल TC होगा इसमें भी डेल्टा टी का ही चेंज आएगा। चूँकि ये दोनों लीनियर स्केल्स हैं तो जो डेल्टा टी होगा, कहने का मतलब लेट से डेल्टा टी इक्वल्स टू TK1 - TK2, हम इस डेल्टा टी इक्वल्स टू, तो अब हम इस डेल्टा TK1 को क्या लिख सकते हैं, TC1 + 273.15, और ये हो गया TC2 + 273.15। तो 273.15 तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो डेल्टा TK1 - TK2 आया वो TC1 - TC2 भी सेम ही होगा। तो इस तरीके से केल्विन और सेल्सियस स्केल्स के बीच में एक लीनियर रिलेशन स्टैब्लिश हो गया।